इसको बोलते हैं अभ्यास योग। मन लगे तो खुश ना हो, मन न लगे तो नाराज ना हो, कोई बात नहीं। मन लगा उसको भी मैंने देखा, नहीं लगा उसको भी मैंने देखा, यह है अभ्यास योग। इसमें हम आगे बढ़े तो हमको बहुत जल्दी सभी साधकों को फायदा होगा। एक जिज्ञासु गुरु के पास गया, गुरु की कुटीर का द्वार खुला था, तो जाने लगा तो गुरुदेव ने आवाज दिया, हालांकि गुरु की पीठ थी दरवाजे के तरफ, तो गुरु ने आवाज दी, ओ भैया इतनी सारी भीड़ लेकर अंदर नहीं आना मेरी कुटिया में, खबरदार। तो वो पीछे देखने लगा, भीड़, गुरुजी कोई भी नहीं है, मैं अकेला आया हूं। गुरु ने कहा बाहर मत देख, भीतर देख, भीतर तू कितनी भीड़ लाया है साथ में, आंख बंद कर जरा। उसने आंख बंद की तो पता चला कि अरे पत्नी रो रही है, बाप समझा रहा है, दोस्त कुछ कह रहे हैं, बच्चे कुछ मांग रहे हैं, ये अंदर भीड़ जमा होती है, नहीं होती कहीं। तो इस भीड़ को लेकर गुरु ने कहा तू मत आ, इस भीड़ को बाहर छोड़ के आ। तब उसको अपनी भूल समझ में आई। भगवान बुद्ध कहते थे कि जब तक तुम कुछ पूछना चाहते हो तब तक तुम मुझे कहने का अवसर ही नहीं दे रहे हो। उसका मतलब कोई होता है, गीता में तो ऐसा भी लिखा है ना, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। पर मैंने मेरे आश्रम में जो जीवन के 27 वर्ष बीते हैं, मैंने मेरे 27 वर्षों में बापूजी से कोई सवाल नहीं पूछा है, आध्यात्मिक प्रश्न भी नहीं पूछा, लौकिक तो नहीं आध्यात्मिक भी नहीं पूछा कि बापू मैं जब में मन लगे उसके लिए क्या करूं, ध्यान कैसे करूं, कभी नहीं पूछा। और न ही आश्रम के किसी गुरु भाई से पूछा है आज तक। हां कोई योग वशिष्ठ की कोई चर्चा आश्रम के कोई भाई हम आपस में मिलकर करें, वो बात अलग है, विचार विनिमय। बापू मेरी मां को तकलीफ है, मेरे बाप को तकलीफ है, आप आशीर्वाद दो ठीक हो जाएं, मैंने कभी नहीं कहा। कहा नहीं तो गुरुजी की कृपा बरसे बिना रही भी नहीं, सब ठीक है, सब बढ़िया है, मेरी बहनें भी सुखी हैं, भाई भी सुखी हैं, पिताजी भी सुखी हैं, सब मजे में है। हम अपनी तरफ से अपने हिस्से जो आता है वो हम कर दें, गुरु के हिस्से जो आता है वो करने में कभी देर नहीं करते। पर कई लोग अपने हिस्से जो आता है ना वो ही करने को राजी नहीं होते। एक आदमी के घर पड़ोसी आया, उसने कहा आपके घर पर अमुक पुस्तक है तो आप मुझे पढ़ने के लिए दो ना, मैं घर ले जाऊं शांति से पढ़ूं। तो उसने कहा कि नहीं, घर ले जाने के लिए नहीं दूंगा, यहीं बैठकर पढ़नी हो तो पढ़ो, घर ले जाने नहीं दूंगा। तो बोले ठीक है आपकी मर्जी, तो चला गया वो आदमी निराश। फिर एक दिन उसके घर पे वही आदमी आया जिसने पुस्तक देने से मना किया था कि घर नहीं ले जाने दूंगा, वो आया कि भाई साहब हमारा घर का जो झाड़ू है ना वो पानी में भीग कर खराब हो गया, तो आप जरा झाड़ू दोगे, मैं घर ले जाकर थोड़ा सफाई करनी है, झाड़ू दोगे। बोले नहीं झाड़ू है जरूर पर घर ले जाने के लिए नहीं, आपको झाड़ू लगाना है तो यहां लगा सकते हो, मेरे घर में यहां लगा सकते हो, वहां ले जाने के लिए नहीं दूंगा। ऐसे में लोग बड़े चालाक हो गए, किसी को बनाने में, बदला लेने में, कि मैं देख लूंगा इसको, मैं देख लूंगी इसको, नहीं, बदला लेने की भावना नहीं, बदलने की भावना हो, लड़ाने भिड़ाने की भावना नहीं, सबकी भलाई की भावना हो, सबकी उन्नति हो, सबको सुख मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई भी दुखी न रहे, सब सुखी हो,
सबका भला हो। पिछले शिविर में मैंने 12 राशियों के अनुसार कौन सी राशि वाले को क्या करना चाहिए ताकि उसके जीवन में कोई दुख समस्या है तो उसका जल्दी निवारण हो, जितना दृढ़ता से करे। मेष राशि जिनकी हो उनको अगर कोई तकलीफ है तो उनको चाहिए हर मंगलवार को बिना नमक का भोजन करे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करे। विष्णु सहस्त्र नाम न पढ़ सके तो रोज 10 माला गुरु मंत्र की विशेष करे, एक्स्ट्रा ज्यादा तो 1000 नाम हो गए। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़े तो बहुत अच्छा। और मेष राशि वालों को चाहिए कि रविवार को आंकड़े के फूल लोटे में डालकर उससे सूर्य भगवान को जल दिया करें। आंकड़े के फूल समझते, हनुमान जी पर चढ़ते हैं, हनुमान जी की मूर्ति पर माला चढ़ाते हैं आंकड़े के फूलों की। हनुमान जी के मंदिर के बाहर कई बेचने वाले भी होते हैं आंकड़े के फूल, कई लगे भी होते हैं सड़कों पर इधर उधर किनारे। वृषभ राशि जिनकी है उनके जीवन में अगर कोई कष्ट और समस्याएं ज्यादा आती रहती हैं तो उनको चाहिए कि हर बुधवार को गुड़ मिश्रित पानी से गणपति जी की मूर्ति का अभिषेक करें। धातु की मूर्तियां होती है ना, वो थाली में रखकर कर सकते हैं। और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और गुरुवार को आम के पेड़ में जल चढ़ाएं। देव गुरु बृहस्पति का स्मरण करते हुए लोटे में चावल, चने की दाल, थोड़ा गुड़, कुमकुम, हल्दी, ये 5 चीजें मिलाकर आम के पेड़ में चढ़ा दे और ओम ऐम क्लीम बृहस्पतये नमः। वृषभ राशि वालों के लिए ओम ऐम क्लीम, ये उपाय कुछ और राशि वालों में भी आएंगे तो मंत्र आम के पेड़ में गुरुवार को ये जल देते समय ओम ऐम क्लीम बृहस्पतये नमः, ओम ऐम क्लीम बृहस्पतये नमः। नौ ग्रहों में बृहस्पति जी का स्थान 5वें स्थान पर है, भले क्रम में 5वें स्थान पर है परंतु ये संकेत है, 9 ग्रह में 4 पहले 4 बाद में, बीच में बृहस्पति, माने केंद्र में बृहस्पति, केंद्र में गुरु होने चाहिए। बृहस्पतिवार गुरुवार कहते ना कई लोग, बृहस्पतिवार कहते, आज बृहस्पतिवार है, कोई गुरुवार बोलते हैं तो गुरुवार के दिन का उपवास भी मदद करता है। गुरुवार को एक टाइम खाएं। जिनका मन चंचल ज्यादा रहता है ना, भजन ध्यान में नहीं लगता, उनको चाहिए कि गुरुवार को एक टाइम भोजन करे, एक टाइम उपवास करे, फलाहार कर ले, दूध पी ले आदि आदि, तो अच्छा रहेगा। मिथुन राशि जिनकी है उनको भी चाहिए कि बुधवार बुधवार को वो जो पहले बताया वो करे, मंगलवार को बिना नमक मिर्च का भोजन करे और रोज शुक्ल पक्ष में रोज चंद्रमा को अर्घ्य दे, अमावस्या के बाद के 15 दिन। ये शुक्ल पक्ष चल रहा है ना, परसों पूनम है, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को अर्घ्य दे, शनिवार को पीपल में तिल के तेल का दिया जलाए, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करे। कर्क राशि जिनकी है वो गुरुवार को आम के पेड़ में वो ही जल का प्रयोग जो बताया वो करे, रविवार को आंकड़े के फूल सहित सूर्य को जल चढ़ाए और शुक्रवार के दिन कर्क राशि वालों को, अगर समस्या है तो बाकी नहीं, जरूरत नहीं है, कोई तकलीफें हैं बहुत, कर्क राशि वाले शुक्रवार को गौ माता को दूध की खीर, माने चावल थोड़े पकाए, दूध डाल के या थोड़ी मिश्री विश्री डाल के, एक कटोरी ही भले या 2 कटोरी जितनी गाय को खिला दें, और बुधवार को गणपति जी के आगे दीप चला दे, थोड़ा गुड़ मिश्रित जल से अभिषेक कर दे। सिंह राशि जिनकी है उनको चाहिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और विष्णु सहस्त्र नाम फिर से कह दूं, कोई न पढ़ सके अकेले में तो 10 माला ज्यादा गुरु मंत्र की जप कर ले, क्योंकि गुरु मंत्र वो बहुत, गुरु मंत्र माने उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं, इसलिए उसको गुरु मंत्र कहते हैं, गुरुदेव के मुख से मिला है, बापू जी ने दिया है, तो उसमें बापू का आशीर्वाद है कि जप करने वाले का कल्याण। और कल्याण का मतलब केवल ये नहीं है कि पैसा खूब मिल जाए, बंगला बढ़िया बन जाए, कार घुमाने को मिल जाए, इस अर्थ में नहीं, संसार से और शरीर से सुख लेने की इच्छा न रहे, ये कल्याण है।
शांति और प्रसन्नता के लिए दूसरी वस्तु व्यक्ति की अपेक्षा न रहे, इसका नाम कल्याण है। तो सिंह राशि जिनकी है वो ये करें, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ रविवार को जल विशेष रूप से आंकड़े के फूल आदि द्वारा, और सिंह राशि जिनकी है उनको अगर कोई समस्या है तो बुधवार के दिन अरे मूंग जो आते अपन बनाते, मूंग खाते ना अपन कभी कभी, मूंग उबाल कर थोड़े ठंडे हो जाएं तो गाय को खिलाएं, बुधवार बुधवार सिंह राशि वाले, और मंगलवार को बिना नमक मिर्च का भोजन आर्थिक उन्नति कराने में सहायक है, कर्जे के भार से मुक्ति दिलाने में सहायक है। सुहागन देवियां भी वो, उनको शादी के बाद घर में कोई समस्या हो तो रोज रात को सोते समय माँ पार्वती का सुमरण करते हुए उन्हें प्रणाम करें, ओम पार्वत्यै नमः, ओम शंकर प्रियाय नमः, ओम उमाय नमः, इस प्रकार उनको वंदन करें, और रोज सुबह नहाने के बाद तिलक करें उत्तर दिशा की ओर मुंह करके। कन्या राशि जिनकी है उनको चाहिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आम के पेड़ में गुरुवार को वो प्रयोग, रविवार को सूर्य को जल विशेष रूप से, लाल फूल आंकड़े के फूल न मिले तो फूल होते हैं कई, गुलाब का कनेर का फूल भी न मिले तो लाल कुमकुम तो घर पे होता ही है सबके, वो ही थोड़ा लोटे में डाल दें, उसी से सूर्य को अर्घ दे दें, और बुधवार के दिन विशेष रूप से गणपति का पूजन या गणपति के नाम का जप कर लें। जिनकी तुला राशि है उनको भी चाहिए कि शुक्रवार को गाय को खीर खिला दें थोड़ी सी, मंगलवार को बिना नमक मिर्च का भोजन, और पूर्णिमा के दिन तुला राशि वाले चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दिया करें, और शनिवार के दिन पीपल में तेल का दीपक जलाएं हनुमान जी के नाम से कि मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। इस प्रकार ये बोलकर शनिवार को पीपल के पेड़ में हनुमान जी के नाम से दीप दान कर दे तुला राशि जिनकी भी हो। वृश्चिक राशि जिनकी है वे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ गुरुवार को आम के पेड़ में वो प्रयोग, और मंगलवार को बिना नमक का भोजन तो लगभग सब राशि वालों के लिए आता है शास्त्र में। धन राशि जिनकी है उनके लिए भी यही है, सूर्य को अर्घ्य दान, शनिवार को हनुमत उपासना हनुमान चालीसा आदि का पाठ और पीपल में दीप दान, मंगलवार को बिना नमक का भोजन। मकर राशि जिनकी है उनको भी यही प्रयोग समझ लेना चाहिए, कुंभ राशि वालों को भी आम के पेड़ वाला प्रयोग, सूर्यनारायण को अर्घ्य वाला प्रयोग, गणपति के नाम का जप, गुरु मंत्र का जप तो रोज करना ही है अपने को, और कुंभ राशि वालों को पूर्णिमा से लेकर तीन दिन तक, पूनम को, पूनम का दूसरा दिन और उसके बाद का एक दिन, तीन दिन पूनम से लेकर तीन दिन चंद्रमा को अर्घ्य दे, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः। कुंभ राशि वाले ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, और